हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के कर्मचारी अपनी मांगों के पूरा ना होने पर गुस्सा हैं। आज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर गेट मीटिंग की, बाद में डीसी को सरकार के नाम का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर हरियाणा सरकार द्वारा भी कर्मचारियों के डीए डीएल एवं एक साल के लिए भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। जो कर्मचारियों का बकाया है उसको भी रोका जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना के दौरान जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए पर्याप्त सैनिटाइजर व फेस मास्क की व्यवस्था होनी चाहिए। इस दौरान कर्मचारियों ने सीवरेज साफ करने वाले कर्मचारियों की पीपी किट देने की भी मांग उठाई है। इन सभी मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश में सभी मुख्यालयों पर कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की है। इसके बाद इन सभी कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सरकार के नाम सौंपा है। देखिए एक रिपोर्ट। जैसे केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया वही हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया, जिसमें मुख्य तौर पर जो सरकार ने कि डीए डेढ़ साल तक के लिए डीए फ्रीज करना, एक साल तक की एलटीसी बंद करना, इवन के कर्मचारियों के जीपीएफ खुद का जो उसका पैसा है उससे निकासी के ऊपर रोक लगाना, नई भर्तियों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाना और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके ड्यूज को रोकना, इस प्रकार के जो ना कर्मचारी विरोधी निर्णय इस केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जो इस आर्थिक मंदी के नाम पर महामारी के नाम पर जो अघोषित फैसले जो काफ़ी हद तक लागू किए हैं, उन सब के विरोध में आज पूरे प्रदेश में सारे कार्यालयों में गेट मीटिंग आयोजन की जा रही है। और उस गेट मीटिंग के बाद उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन जो ना मांगों का मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। इसमें हमारी मुख्य जो मांगे हैं कि एक तो जो इस कोरोना के दौरान जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उनको संक्रमण से दूर रखने के लिए सरकार जो ना उचित मात्रा में सैनिटाइजर, फेस मास्क, दस्ताने वगैरह दे, और जहां कोई कंटोनमेंट एरिया में काम करवाना चाहती है सरकार तो वहां पीपी किट बिना नहीं भेजा जाए। अभी हमारे कई जगह ऐसे कर्मचारी ड्यूटी दे रहे हैं जिनका मतलब जो लगातार हमारे पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं, लगातार वाटर सप्लाई चला रहे हैं, सीवरेज जैसी महत्वपूर्ण काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए गंदे पानी में हाथ डाल के काम करना पड़ता है, उनके लिए कोई मतलब इस प्रकार की किट नहीं दी गई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.